हेलो दोस्तों, मैं योगेंद्र कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूपीएससी इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, सीसेट की हमारी सीरीज चल रही है, उस क्रम में हमारा आज का यह 8वां लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने 7 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर लिया है और वन बाय वन एक एक टॉपिक दोस्तों हम कवर करते जा रहे हैं, सो दैट आप एग्ज़ाम के पास आते आते इतने कॉन्फिडेंट रहें कि आप मेजर पोर्शन को कवर कर लें। क्लियर दोस्तों, ये मेरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। अब आते हैं कल के क्वेश्चंस पे जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। बेसिकली कल मैंने सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस किया था, कल यानी लास्ट लेक्चर में। क्लियर, तो इसको डिस्कस करने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे जो दोस्त नए आए हैं इस चैनल पे, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके पिछले लेक्चरों को देख सकते हैं। और उसके बाद जो है स्पेशली दो जो लेक्चर्स हैं मेरे, जिसमें मैंने ट्रेंड्स की चर्चा की है और जिसमें मैंने सिलेबस को डिटेल में डिस्कस किया है, ये दो आप अगर देख लेंगे तो इससे आपको क्या आइडिया लगेगा कि जो मैं सिलेबस लेके चल रहा हूँ उससे वन बाय वन जो टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स में मैंने डिवाइड कर रखा है, तो उससे आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि चीज़ों को कैसे कैसे कवर करना है, क्या क्या उसके वेटेज हैं और यूपीएससी का ट्रेंड क्या है। तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा कि आप किस पोर्शन में कितना ज़्यादा इफर्ट दें। क्लियर, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये था क्वेश्चंस कल का कि 1200 रुपये में 10% वार्षिक ब्याज दर से एक वर्ष के वार्षिक साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज छमाही हो में अंतर क्या होगा। क्लियर, मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और आप में से कुछ दोस्तों ने इसका जवाब भी दिया कमेंट बॉक्स में डाल के। तो चलिए समझते हैं कि भाई हमारे पास है कितना रुपया, 1200 रुपया। क्लियर है, तो हमने लिख दिया पी यानी मूलधन। क्लियर, तो मूलधन कितना है हमारा, 1200 रुपया। रेट कितना है, 10 दर, आर से दिखाते हैं रेट को, हो गया 10%। क्लियर, अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि भाई टाइम ड्यूरेशन कितना, एक वर्ष। क्लियर, यानी एन की वैल्यू तो हो गई एक वार्षिक। क्लियर, तो पहले तो साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, बताया था हमने आपको, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, PRT/100। क्लियर, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन कितना था, 1200, दर कितना है 10, समय कितना है एक साल, बटे 100 कर दिया आपने, तो आ गया आपका 120। क्लियर है, अब अगर यही इसी जगह बात करें चक्रवृद्धि ब्याज की, तो अब एक चीज़ आप स्टेटमेंट देख रहे होंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है छमाही हो। तो मैंने आपको क्या बताया था, आप रिकॉल कर पा रहे होंगे अगर, तो मैंने बताया था कि छमाही के लिए क्या होता है, वार्षिक का तो आपका सिंपल RNT था, छमाही के लिए क्या होता है, R हो जाता है R/2 और T क्या हो जाता है 2T। क्लियर, इसी तरीके से त्रैमासिक का भी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी साल को 3 भाग में डिवाइड किया या फिर 4 भाग में, तो त्रैमासिक माने कितने त्रैमासिक होते हैं, 3-3 महीने के 4 सेट बनेंगे, तो रेट हो जाएगा R/4 और टाइम हो जाएगा 40। क्लियर, तो अब आइए छमाही की अगर ये बात कर रहा है, तो छमाही का क्या हो जाएगा, छमाही के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, छमाही के हिसाब से जो नया रेट आएगा, R क्या हो जाएगा, R-R/2, R कितना है 10 10/2, यानी 5% हो गया नया रेट छमाही का। और इसी के हिसाब से अगर टाइम की बात करें T-डैश की, तो 2T यानी एक साल के लिए था, 2×1 तो 2 हो गया। अब यहाँ से हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा था कि पहले हम मिश्रधन निकालेंगे। क्लियर है, मिश्रधन यानी A से डिनोट करते थे, तो मिश्रधन निकाल लेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें से मूलधन माइनस कर देंगे। तो मिश्रधन क्या होता था, A=P(1+R/100)n। क्लियर, यही होता था, तो n यानी t, आप n भी लिख सकते हैं, t भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे p कितना है, 1200 है, 1 r कितना हो गया, 5 हो गया। क्लियर है, n कितना हो गया, 1 नहीं है, यहाँ पे 2 हो गया। क्लियर है, तो ये हो गया 1200 और ये आप डिवाइड कर देंगे तो 1+1/20^2, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये 1200 और ये आ गया आपका 21/20। क्लियर है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 1200 × 21 × 21/20 × 20, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 0 से थोड़ा सा इसको क्लियर लिख दूँ मैं, 20 × 20, 0 0 उड़ गया, ठीक है, 2 × 2 = 4 = 3 3 बार गया। तो अब आपको थोड़ा सा स्क्वायर पता होना चाहिए, सो जैसे 21 का 21 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 1 1 2 4 41 आ जाएगा। क्लियर, तो ये चीज़ें हैं, इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 3 1 3 3 4 12 और 3 4 12 13, आपका इतना रुपया हो गया। क्लियर, तो ये तो आपका हो गया मिश्रधन। अब आपको क्या निकालना था, चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर, ये आपको निकालना था, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मिश्रधन
माइनस मूलधन यानी ए माइनस पी, ए माइनस पी, तो ए आपने निकाला, ये आपका ए हो गया यानी 1323, और पी कितना था जब जो आपने रुपया लिया था 1200, यानी कितना हो गया आपका, हो गया 123 रुपया। क्लियर दोस्तों, ये आपका हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि भाई आपका चक्रवृद्धि ब्याज है 123 और साधारण ब्याज कितना हमने निकाला था, ये रहा ना 120, तो दोनों का अंतर कितना है 123 माइनस 120 कर दीजिए यानी 3 रुपये आ गया। बस यही आपसे पूछा था कि साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। क्लियर, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है वर्क एंड टाइम एंड वर्क, यानी समय और कार्य। तो ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इसको मैं लिख दूँ अगर टाइम एंड वर्क, तो ये यूपीएससी के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें क्या है, हर साल आपका जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। क्लियर, तो अब जैसे मान लीजिए मैं इसमें क्या है कि आपको एक एक चीज़ समझाते हुए क्वेश्चन के माध्यम से बेसिकली मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो उससे पहले मैं आपको अगर ब्रीफ में बता दूँ कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछते हैं इसमें, तो जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि एक्स लोग या फिर कुछ लड़के किसी काम को इतने दिन में करते हैं, क्लियर, और वाई लोग इस काम को इतने दिन में करते हैं, तो बोल रहा है कि दोनों मिलके किसी काम को कितने दिन में कर देंगे। क्लियर, ऐसा दे देगा। कभी कभी क्या बोलता है कि इतने लोग थे, इतने लोग ये थे, किसी काम को ये करते हैं, फिर किसी काम को ये करते हैं, फिर तीसरा आदमी जुड़ जाता है तो वो किसी काम को कर दो, फिर बताइए कि टोटल कितने दिन में करेंगे। क्लियर, और कभी कभी ऐसा दे देता है कि भाई एक टंकी है बड़ी सी, हाँ मान लीजिए जैसे ड्रम बना दिया मैंने, अब ऐसे टंकी है ये, अब इसमें बोल रहा है कि एक एक नल लगा है, अब मान लीजिए नल ए है, हाँ बोलते कि नल ए इसको जो है 10 दिन में भर देगा, ठीक 10 डेज, और बोलता है कि नल बी जो है इसको 20 दिन में भर देगा, ठीक है 20 डेज। तो अब बोल रहे हैं कि बताइए दोनों को मिला दें, नल ए और नल बी को, यानी ए प्लस बी कर दे, तो बताइए कितने दिन में भरेगा। क्लियर, तो ये हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे तरीके के क्वेश्चंस हैं, तो हम इसी को समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे इसको डील करना है। तो अब जैसे बात करते हैं काम का, तो जैसे क्या होता है कि जैसे इसमें दो तीन चीज़ें होती है दोस्तों। जैसे मान लीजिए हमको करने का अप्रोच क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपसे कोई बोलता है कि रमेश है, ठीक है, मैं आपको बस ऐसे समझा रहा हूँ ताकि जब एग्जाम्पल हम देखेंगे तो हमें सीधे सीधे हम स्ट्राइक कर पाएँ, ठीक है। मान लीजिए रमेश है, किसी काम को 10 दिन में करता है, क्लियर है, 10 दिन लगता है किसी काम को करने में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा बताइए, 1/10 काम कर लेगा। अब जैसे आपको थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली समझा दूँ कि मान लीजिए एक राम है और एक श्याम है, क्लियर है, अब दोनों ईंट के भट्ठे में काम करते हैं, क्लियर है। अब इनका ये है कि भाई मान लीजिए कहाँ गया है ना, मान लीजिए ये दोनों ईंट के भट्ठे में काम करते हैं, अब ईंट के भट्ठे में अगर ये काम करते हैं और हमको ये कह दिया जाए कि भाई 1500 ईंटा है, क्लियर है, तो राम जो है इसको करने में कितना समय लगाता है, 10 दिन का समय लगाता है, क्लियर है भाई, ये 10 दिन में पूरा 1500 ईंटे को जो है पका देता है। और अगर श्याम की बात करें तो ये कितना समय लगाता है, ये 15 दिन लगाता है। तो अब एक चीज़ आप ये देखिए कि श्याम लगाता है 15 दिन, राम लगाता है 10 दिन, इसका मतलब क्या, राम ज़्यादा तेज काम कर रहा है, क्लियर है, श्याम थोड़ा धीमे काम कर रहा है, तभी उसको ज़्यादा समय लगा, 15 दिन लग गया, क्लियर है। तो अब यहाँ से हम दो तीन चीज़ें समझेंगे। पहले तो हम ये समझेंगे कि क्षमता, कार्य क्षमता, एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है दोस्तों कि कार्य क्षमता बताइए, तो कार्य क्षमता क्या होता है दोस्तों। जैसे अब आप यहाँ से क्लियरली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो भाई 1500 ईंटा था, अब राम करता है उसको 10 दिन में, क्लियर, और श्याम करता है उसको 15 दिन में, तो किसकी क्षमता ज़्यादा होगी, जो जितना जल्दी कर लेगा, क्लियर भाई 1500 ईंटा था हमारे पास, अब राम ने उसको 10 ही दिन में कर लिया, इसका मतलब राम बहुत तेज काम कर रहा है, इसका मतलब राम की क्षमता अधिक है, क्लियर, तो राम की क्षमता अधिक हो गई, क्लियर। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 1/10 दिखा सकते हैं, क्लियर भाई कितने दिन लगे। तो यानी हम ये कह सकते हैं अगर आपको स्टेटमेंट दे गए क्वेश्चन में कि भाई ऐसा है कार्य क्षमता, है ना, मैं आपको ऐसे लिख दूँ अगर कि कार्य क्षमता है तो इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्युत्क्रमानुपात होता है किसके, समय के, क्लियर, मतलब जितना कम समय लोगे आप उतना ज़्यादा आप इफिशियंट हो, उतना ही ज़्यादा आपका कार्य करने की क्षमता अच्छी है, क्लियर, यानी इफिशियंसी की बात कर रहा है ये। तो अब इसी तरीके से अगर अब दूसरा अप्रोच देखें कि भाई राम ने
राम ने कितने में लिया था, राम करता है उसको 10 दिन में, श्याम करता है उसको 15 दिन में। अब ये बोल दे कि दोनों कितने दिन में करेंगे, हैं तो ले दे के है तो 1500 ईंटा ही है। अब 1500 ईंटा को अगर अकेले राम करता है तो 10 दिन लगाता है, अकेले श्याम करता है तो 15 दिन लगाता है। तो हम ये समझते हैं कि पहले देखिए, अब आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं कि अब क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे। अब इसमें हम कहते हैं राम से हम नहीं 10 ठो कोई आ जाए ना ABCD करके, लेकिन क्वेश्चन ऐसा होगा कि भाई अब आप एक एक करके समझते जाइए कि भाई राम ने लिया 10 दिन, क्लियर है, तो वो एक दिन में कितना करेगा। भाई 1500 ईंटा लेता था है 10 दिन में, तो एक दिन में कितना ईंटा करेगा, 1500 बटे 10 यानी 150 ईंटा जो है वो एक दिन में करता है, क्लियर है। और इसी जगह अगर श्याम की बात करें तो ये भी 1500 ईंटा बनाता है, लेकिन उसको कितना समय लगाता है, 15 दिन, तो एक दिन में कितना करेगा, 15 से डिवाइड कर देंगे, क्लियर है, यानी ये 100। मतलब अब अगर एक दिन की बात करें, ये एक दिन की बात हो गई, क्लियर है, एक दिन की बात हो गई, इसकी भी एक दिन की बात हो गई, इसकी भी एक दिन की बात हो गई। तो अब ये आप देख पा रहे हो ना कि एक दिन में ये कितना किया, 100 ईंटा, और ये कितना किया, 150 ईंटा। अब हमसे बोला कि है तो 1500 ईंटा, तो दोनों अगर ए और बी यानी राम और श्याम मिल जाए, है ना, राम और श्याम मिल जाए, तो ये कितने दिन में उसको कर देंगे। तो हम ये समझते हैं पहले कि राम और श्याम एक दिन में कितना करेंगे, क्लियर। ये बहुत अभी मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको हो सकता है समय लग रहा हो। तो जैसे राम और श्याम एक दिन में कितना करेंगे, तो भाई इसने 150 लिया था और इसने 100, यानी अगर राम और श्याम मिलकर काम करते हैं तो ये लोग 250 जो है ईंट एक दिन में कवर कर लेंगे, क्लियर है। और थी हमारे पास कितनी, हमारे पास थी 1500, क्लियर है। तो अगर राम और श्याम मिलकर 250 ईंट एक दिन में कर लेते हैं तो 250 डिवाइड कर देंगे, तो देख लेते हैं कितना आ गया, 25 चौको 100 25, 6 बार गया, क्लियर, यानी उनको 6 दिन लगेगा, क्लियर दोस्तों। अब ये कितना सिंपल सा था, बस तुरंत आपका आंसर आ गया। अगर आपको थोड़ा सा इसमें आपका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं। तो बेसिकली हमने क्या किया था, राम का एक दिन का निकाला है ना, फिर श्याम का एक दिन का निकाला, फिर दोनों का एक एक दिन का जोड़ दिया, तो हमें एक दिन का काम मिल गया है ना, एक दिन का, क्लियर। अब इसके बाद हमने देख लिया कितना काम था, यानी 1500 काम था हमारा, 1500 ईंटे का, और एक दिन में उसने 250 ईंटे बनाई तो कितना लग गया, 6 दिन लग गया, क्लियर, ये हो गया। ये तो आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल के मतलब माध्यम से हो गया। अगर आप शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, यानी फॉर्मूले की बात करें तो इसको हम ऐसे लिखते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए हमसे बोल दिया कि आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझो, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए और कोई व्यक्ति है बी, ये किसी काम को करते हैं एक्स दिन में, ये किसी काम को करते हैं वाई दिन में, क्लियर है। तो बोल रहा है कि दोनों जो है साथ काम करते हैं तो कितना दिन लगेगा, हमें दिन कैलकुलेट करना है ना, ये एक्स दिन था और ये इनका वाई दिन था है डे, तो जब साथ काम करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, क्लियर है। तो अब जैसे हमने ऊपर किया था, तो अगर मान लीजिए हमसे बोला होता कि भाई हमको नहीं पता, मान लीजिए फॉर्मूला पता है केवल, तो अगर साथ काम करने में समय लगा, साथ काम करने में लगा समय क्या हो जाएगा, 10, एक को 10 दिन लग रहा था, दूसरे को 15 दिन लग रहा था, 10 × 15 = 10 + 15, क्लियर है। अब बस इसी को आप सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 × 15 = 150 × 25, अब देखिए आ गया आपका आंसर 6 आ गया ना, ये क्लियर, ये तुरंत आ गया आपका, मतलब कुछ आपको करना भी नहीं पड़ा, तुरंत आपका आंसर आ गया कि भाई 6 दिन लगेगा हमको, क्लियर है। और अब आपको थोड़ा सा जनरलाइज में बता दूं कि भाई अगर 2 लोग नहीं 3 4 लोग हैं तब कैसे करेंगे, तो हम ऐसे कर देंगे कि मान लीजिए, हम आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ABCD लोग थे हैं, इसको लगा एक्स दिन, इसको लगा वाई दिन, इसको लगा जेड दिन, इसको लगा डब्ल्यू दिन, ठीक है, सबको अपना अपना दिन लग गया काम करने में, सेम काम है, मान लीजिए 1500 ईंटा का ही काम था है ना, तो ये करता है एक्स दिन में, ये करता है वाई दिन में, ये करता है जेड दिन में, ये करता है डब्ल्यू दिन में, क्लियर। तो अब बोल रहा है कि सब लोग मिल जाए है ना, सब लोग जुड़ जाए, तो मिल के कितने दिन में काम करेंगे, मिल के लगा समय है ना। तो हम अगर मान लें कि भाई मिल के लगा समय हमारा है, मान लीजिए टी समय लग गया है ना, हम बोलते हैं भाई टी समय हमको लगा। अब ये टी अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, 1/x, इस वाले का x दिन लगा था तो 1/x कर दिया, इसका वाई दिन लगा था तो 1/y कर दिया, और सबको जोड़ते जा रहा हूँ, देखिए 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z प्लस 1/w, क्लियर है, इनको सबको जोड़ दिया और टोटल हमसे पूछा कितना समय लगेगा, मैंने t माना था तो उसको भी 1/t कर दूंगा, क्लियर है। तो बस जहाँ ये करूँगा, इसको सॉल्व करेंगे हम, बस आपका ये जो है t की वैल्यू आ जाएगी।
क्लियर, आपको ये पता करना है टी, तो ये आपका टी का वैल्यू आ जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, जनरलाइज्ड है दोस्तों। ये कहीं आई होप मिलेगा नहीं मुझे, मैं बस ये आपको अपने पर्सनल अप्रोच से बता रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे। जरूरी नहीं है कि यूपीएससी दो ही लोग का दे, हो सकता है तीन लोग का दे दे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, दिक्कत में आ जाएंगे, तब आप एक्स वाई एक्स अपॉन वाई नहीं कर सकते ना भाई, आपके तीन चार टर्म हो गए देखिए। तो ये आपका जनरलाइज्ड अप्रोच है, क्लियर दोस्तों। तो अब ये हो गया, इसके बाद अब आगे आते हैं। जैसे मान लीजिए एक और कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाऊँ कि दो लोग हैं, क्लियर है। अब दो लोग हैं, मान लीजिए दो लोग क्या, दो लोगों का समूह है ना, समूह एक और समूह दो, क्लियर। अब मान लीजिए समूह एक में हैं कितने लोग, m लोग हैं, m1 कर दीजिए, और समूह टू में कितने लोग हैं, m2 लोग, क्लियर है। अब ये दिया है आपको कि समूह m में जो मतलब वन जो है और ये जो टू है, मतलब ये लोग लगाते हैं किसी काम को करने में t1 समय है, और करते कितना काम है, w1 काम करते हैं, क्लियर। मतलब कहने का आपको सिंपल समझाओ कि 10 लोग 100 ईंटे को 5 दिन में ढोते हैं, और यहाँ पे दूसरा समूह क्या है, अब यहाँ पे चूंकि लोग अलग अलग है तो आप सबको एक साथ नहीं जोड़ सकते ना भाई, जरूर थोड़ी कि राम जितना तेज काम करे उतना ही तेज श्याम भी काम करे, तो यहाँ पे एक नियम नहीं लागू होता है, एक नियम केवल सेम पर्सन पे है कि भाई राम इतने में किया श्याम इतने में किया, तो दोनों मिलकर कितने में करेंगे, तो वो हम समझ में आ सकता है। लेकिन अब चूंकि आपका ग्रुप ही अलग अलग है ना, तो वही बोल रहा है कि भाई m1 लोग हैं t1 समय में w1 काम करते हैं, और m2 लोग हैं t2 समय में w2 काम करते हैं, मतलब देखिए काम अलग अलग कर रहे हैं, क्लियर है, देख पा रहे हो ना, यहाँ पे w1 काम किया, यहाँ पे w2 काम किया। अगर ये 100 ईटा ढोता है तो जरूरी नहीं कि 100 ढोए, हो सकता है 200 ढोए, जो जितना भी दिया हो हमारे क्वेश्चन में, क्लियर है, हमको इससे नहीं मतलब है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो वो है ना, क्या कार्य का मतलब क्षमता कह सकते हैं, या तो भाई इसको हम सीधे सीधे फॉर्मूले में कर देंगे, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, मैं आपको केवल एग्जाम्पल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, भाई m1 लोग t1 समय में इतना काम कर दिए, क्लियर है, तो m2 लोग t2 समय में कितना काम करेंगे, क्लियर है, या फिर m2 लोग इतना काम कितने समय में करेंगे, है ना, कोई एक टर्म जो है हटा देगा, उस पूछेगा बताइए क्या है। तो सीधे सीधे फॉर्मूला पहले कर लेते हैं, तो फॉर्मूला ये होता है कि m1 इंटू t1 अपॉन w1, क्लियर है, इज इक्वल टू m2 इंटू t2 अपॉन w2। बस आप ये कर देंगे तो आपसे जो भी पूछा रहेगा कि भाई आपको अगर ये दिया है तो ये पूछ लेगा, ये दिया है तो ये पूछ लेगा, ये दोनों दिया है तो ये पूछ लेगा, है ना, कुछ ना कुछ देखे एक टर्म पूछ लेगा। तो बस आपका एक ये फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए कि भाई m1 लोग t1 समय में w1 काम करते हैं, m2 लोग t2 समय में w2 काम करते हैं, क्लियर। तो बस आप क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, क्लियर। तो ये आपका सिंपल सा वो आ जाएगा, एक इक्वेशन आ जाएगी, इसके बेसिस पे आप रख के देख लेंगे तो आपका क्लियर आइडिया लग जाएगा वास्तव में क्या हो रहा है, क्लियर। तो अब चलिए स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं एक एक करके, और एक एक क्वेश्चन उठाते हैं और समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्लियर। तो अब जैसे पहला क्वेश्चन है कि भाई मैं पढ़ देता हूँ, मैं इसमें लिखता जाऊँगा, मैंने इस बार क्वेश्चन जानबूझ के नहीं लिखा है इसमें, क्योंकि समझाने मुझे ज़्यादा आसानी लगेगी, मुझे ऐसा लगता है कि भाई क्वेश्चन डिस्कस करते करते लिखते जाएं तो आपको समझ में भी आए। तो जैसे मान लीजिए आपको एक चीज़ ये दिया है कि राम है, मैंने आपको ऑलरेडी एक एग्जांपल के माध्यम से समझा दिया कि राम है किसी काम को करता है 15 दिन में, क्लियर है, 15 दिन लगाता है किसी काम को करने में, और श्याम है, ठीक है, वही उसी काम को करता है, सेम काम को, है ना, डब्लू काम हो गया इनका भी, तो सेम काम करता है कितने दिन में, 45 दिन में, क्लियर। अब क्या बोल रहा है कि दोनों मिल जाएं, अगर दोनों मिल जाएं तो मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था मिलकर काम करने का, कि एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो कर दीजिए 15 × 45 बटे 15 + 45, क्लियर। तो क्या हो गया 15 × 45 बटे 60, तो 15 × 60, क्लियर। तो बस यानी इसका मतलब हो गया 45/4। तो आपके ऑप्शन दिए रहेंगे, तो इसको आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 × 44 और 1 × 4, इतना आ जाएगा। तो बस ये आपके ऑप्शन में दिया है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा इतने दिन में, क्लियर दोस्तों। अब अगर जैसे बात करें अगले क्वेश्चन की, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको तो मैंने आपका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता ही रखा था। अब अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 2, तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है कि एक बढ़ई है, ठीक है, एक बढ़ई है, तो एक बढ़ई क्या करता है,
एक कुर्सी है, ठीक है, एक कुर्सी को एक बढ़ई बनाता है 8 घंटे में, ठीक है, 8 घंटा लगाता है एक कुर्सी बनाने में। और अगला क्या बोल रहा है कि तीन बढ़ई है, ठीक, और तीन कुर्सियां बनाते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, मैं फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि भाई एक बढ़ई है, एक कुर्सी को 8 घंटे बनाता है, तो और फिर दे रहा है कि जो दूसरा बढ़ई है ना, मान लीजिए बढ़ई नंबर ए था और ये बढ़ई नंबर बी है, क्लियर, तो जो बढ़ई बी है वो तीन कुर्सी बनाता है 36 घंटे में, ठीक है। तो अब बोला है कि अब समझते हैं पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई एक आदमी ए था, एक कुर्सी को बनाता है 8 घंटे में, दूसरा आदमी बी है, तीन कुर्सी को बनाता है 36 घंटे में, तो इसका मतलब एक कुर्सी को कितने दिन में बनाएगा, कितने घंटे में, 36/3 कर देंगे यानी 12 घंटा इसको लगता है ना, तो इसका मतलब 12 घंटे में ये बना, यानी एक कुर्सी को ये बनाएगा 8 घंटे में, एक कुर्सी को ये बनाएगा 12 घंटे में, क्लियर है। तो अब बोल रहा है कि दोनों लोग मिल के कुर्सियाँ बनाते हैं, तो अब क्वेश्चन आपका ये दे दिया भाई ए और बी है ना, अब दोनों लोग मिल गए, अब दोनों लोग मिल के कुर्सियाँ बनाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आपसे ये नहीं पूछा है कि दोनों लोग मिल के कितने समय में, आपसे बस क्वेश्चन ये बोल दिया कि कितने मतलब जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये है कि कितनी कुर्सियाँ, ठीक है, कुर्सियाँ बनाएंगे 96 घंटे में, क्लियर। आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया इन्होंने, अभी तक हमसे क्या बोलता था कि ए और बी हैं इतने इतने समय में कुर्सियां बनाते हैं, तो बताए दोनों साथ मिलकर कितने समय में कुर्सियां बनाएंगे, हमसे समय बोलता था है ना कि समय में कितने बनाएंगे, अब हमसे क्या बोला है कि समय दे दिया 96 घंटा, बोल रहे बताइए दोनों लोग मिलकर 96 घंटे में कितनी बनाएंगे कुर्सियां। तो हम बहुत सिंपल सी बात है, हम समझ लेते हैं कि भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने ये देखा कि ए बनाता है 8 घंटे में एक कुर्सी है ना, और बी बनाता है 12 घंटे में एक कुर्सी है ना, तो बोला है कि बताइए 96 घंटे में कितना बनाएंगे। तो दो सिंपल अप्रोच होती है, हम बहुत सिंपल सा चलेंगे कि भाई हम ये देख लें कि दोनों लोग अलग अलग कितना बनाएंगे 96 घंटे में, फिर दोनों को जोड़ दें, मतलब ये यही बोला ना कि भाई ए और बी दोनों मिल गए तो 96 घंटे में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे, तो हम ये देख लेते हैं कि भाई ए कितना बनाएगा 96 घंटे में, तो ए बनाएगा 96 घंटे में, 8 घंटे में एक बनाता है तो 96 घंटे में 8 से डिवाइड कर देंगे यानी 12 कुर्सी तो ये बना लेगा, क्लियर। अब अगर बी की बात करें 96 घंटे में कितना बनाता है, तो बी बनाएगा जैसे 12 घंटे में एक कुर्सी बनाता है, तो 96 घंटे में कितनी बनाएगा, 96/12 कुर्सी, क्लियर, तो ये बना लिया 8 कुर्सी। तो कुल मिला के अगर ए और बी की बात करें तो 12 कुर्सी + 8 कुर्सी यानी 12×8 20 कुर्सियाँ बना लेंगे ये लोग, क्लियर दोस्तों, 96 घंटे में, कितने घंटे में, 96 घंटे में, क्लियर। ये आपका क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि भाई यहाँ पे 8 घंटा और 12 घंटा है और यहाँ पे 96 घंटे में 12 कुर्सी और 8 कुर्सी है, तो ये चूंकि डिजिट का खेल है और इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन दिए भी जाते हैं कि आप थोड़ा सा समझ पाएँ कि वास्तव में क्या पूछ रहा है, क्या हो रहा है ना। तो ये आपका एक क्वेश्चन था, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, और उसको मैं समझा देता हूँ, ये आप इसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मैं इसको जानबूझ के होमवर्क में दे रहा हूँ ताकि आप लोग इफर्ट मारें, अपना अपना दिमाग लगाएं थोड़ा सा, और उसके बाद मैं इसको कल यानी अगले आने वाले लेक्चर में डिस्कस करूँगा, क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर पी तथा क्यू किसी कार्य को मिलकर 18 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, पी एंड क्यू किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, क्लियर है। अब बोल क्या रहा है कि जो अंतिम, यदि जो है अंतिम 9 दिन में पी कार्य करे तो काम 24 दिन में लगता है, यानी पी और क्यू दोनों अगर मिल के काम, मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ फिर उसके बाद आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, यानी पी और क्यू किसी काम को 18 दिन में मिलकर पूरा कर लेते हैं, क्लियर है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि पी और क्यू मिलकर काम तो कर रहे हैं, क्लियर है, लेकिन जो लास्ट का 9 दिन है, 9 दिन तक पी अकेले काम करता है, क्लियर है, यानी पी और क्यू साथ साथ काम कर रहे थे, फिर लास्ट के जो 9 दिन बचे उसमें पी अकेले काम किया, तब इनको लगा कितना समय, तब इनको लगा 24 दिन, क्लियर है। ये आपका क्वेश्चन है, दे रखा है स्टेटमेंट कि भाई पी और क्यू मिल के अगर काम करते रहते हैं शुरू से लेकर अंत तक तो 18 दिन लगता है, और पी और क्यू काम करते रहते हैं लेकिन
लास्ट में क्या होता है, क्यू चला जाता है, केवल पी बचता है ना, पी अकेले, तो पी अकेले 9 दिन में उस काम, मतलब 9 दिन तक अकेले काम करता है। तो भाई पी और क्यू शुरू में कुछ दिन काम किया, फिर 9 दिन पी अकेले काम किया, तो टोटल मिला के लगा इनको 24 दिन। क्लियर है? तो अब बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि अगर पी केवल अकेले ही काम करे उस काम को, है ना, अकेले शुरू में तो भाई पी और क्यू कर रहा था, फिर 9 दिन तक अकेले किया पी, तो उसको 24 दिन लगा। अब बोला कि केवल केवल पी ही करे अकेले उस काम को, तो उसको कितना समय लगेगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी है एक्चुअली दोस्तों, ये ट्रिकी है। जहाँ आप इसको समझ लेंगे तो आपका अपने आप काम आसान हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि भाई पी और क्यू जो है किसी काम को मिल के करते हैं 18 दिन में, और उसके बाद क्या होता है, पी क्यू काम कर रहे होते हैं साथ साथ, लेकिन 9 दिन बाद जो मतलब जब लास्ट के 9 दिन बचते हैं तो उसमें केवल पी काम करता है, तब इनको थोड़ा भाई ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि भाई पी अकेले पड़ गया कुछ दिन के लिए, जब कुछ दिन के लिए अकेले पड़ा तो 24 दिन लग रहे हैं समय, है ना। तो बोल रहे कि बताइए पी केवल अकेले ही काम करें तो कितना समय लगेगा, कितना दिन, है ना, कितना दिन। क्लियर? तो ये आपका एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुछ आदमी खेत को 20 घंटे में जोतते हैं। मान लीजिए कुछ आदमी है एक्स, है ना, कुछ आदमी एक्स हैं किसी खेत को, है ना, खेत है ये, इसको जोत रहे हैं, ये खेत है, इसको जोत रहे, कितना दिन लगाते हैं, 20 घंटे लगाते हैं, 20 घंटे में जोत जाते हैं, बराबर कर देते हैं। क्लियर है? अब क्या बोल रहे हैं कि 15 आदमी हैं, अगर 15 आदमी उसी खेत को जोतते हैं, ठीक है, उसी खेत को जोतते हैं, कितना लगेगा, 24 घंटा लगता है। तो अब आप एक चीज़ ये देखिए दोस्तों कि भाई आपका ऑप्शन क्या क्या है, मैं पहले आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन में है 12, 15, 18, 20, ये आपका ऑप्शन है। क्लियर दोस्तों? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्स आदमी किसी खेत को 20 घंटे में जोतते हैं और 15 आदमी उसी खेत को 24 घंटे में जोतते हैं, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू बतानी है। क्लियर? या फिर उल्टा कहें तो क्वेश्चन आपसे ये दिया है कि 15 आदमी किसी खेत को 24 घंटे में जोतते हैं, तो कितने आदमी उस खेत को 20 घंटे में जोतेंगे। तो अब आप एक चीज़ ये देखिए दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप लगाएं ही लगाएं, आप एक चीज़ ये समझ पा रहे होंगे कि भाई पहले हमारा कितना घंटा था, 24 घंटा, अब कितना घंटा हो गया, 20 घंटा। इसका मतलब क्या है, आदमी 15 से बढ़ के ज़्यादा आदमी हुए होंगे। क्लियर है? सिंपल सी बात तो यही है कि भाई 15 से ज़्यादा आदमी हुए होंगे तभी 24 से 20 घंटा लगा, मतलब, है ना भाई। आप किसी काम को 10 दिन में कर रहे हो, अगर आपके साथ कोई और आदमी मिल जाए तो आप उस काम को 8 ही दिन में कर दोगे, 7 ही दिन में कर दोगे, यानी 10 दिन से कम ही समय लगेगा। तो अगर 24 घंटे कम समय लग रहा है, इसका मतलब 15 से ज़्यादा लोग थे, इसका मतलब आपका एक ऑप्शन ये इलिमिनेट हो गया, एक ऑप्शन ये इलिमिनेट हो गया। क्लियर है? तो अब इसको हम समझ लेते हैं सिंपल सा कैसे करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों, जैसे मान लीजिए 15 आदमी 24 घंटे लगाते हैं, क्लियर है, तो एक आदमी कितना लगाएगा, एक आदमी, अब आप समझिएगा यहाँ पे आप 24/15 मत कर दीजिएगा कि भाई 24 घंटा लगाता 15 आदमी तो एक आदमी 24/15 यानी 21 दिन दो घंटे में कर देगा, है ना, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, 24 × 15 करना पड़ेगा भाई, 24 एक आदमी को पूरा 15 आदमी का काम करना पड़ रहा है ना, तो इतना ज़्यादा समय लगेगा। क्लियर है? यानी एक आदमी अगर उस खेत को जोतता है तो 24 × 15 समय लगेगा, 24 × 15 घंटे हैं। अब हमसे पूछा क्या है कि कितने आदमी यानी एक्स आदमी करते हैं तो उस काम को 20 घंटे में कर लेते हैं। क्लियर है? मतलब आपका काम इतना था और आदमी जो है एक्स हो गए, तो 24 × 15/20 ये कर देंगे हम। क्लियर है दोस्तों? अगर आपको इससे नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करेंगे सिंपल सा, आपका आ गया 5 × 15, 5 × 20, 4 × 24, 18। क्लियर? देखिए आपका आंसर 18 आ गया। लेकिन अब आपको अगर मैं जो वो था मेरा क्या नाम से फॉर्मूला में मैंने क्या बताया था कि भाई M1 आदमी, ठीक, T1 दिन में, W1 काम करते हैं, हमने क्या किया दोनों को इक्वेट किया था, M2 आदमी, T2 दिन में, W2 काम करेंगे। क्लियर है? बस ये था। क्लियर? तो अब आप एक चीज़ ये समझ पा रहे हो कि यहाँ पे जो W1 और W2 है ये दोनों सेम ही है। देख रहे हैं भाई, एक खेत है इसी को जोतना है, तो मतलब जो काम है वो तो सेम ही है, इसका मतलब W1 W2 सेम हो गया, इसका मतलब ये उड़ जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, M1 T1 = M2 T2। क्लियर है? पेज ऐड कर लेता हूँ, तो ये हो गया, कहाँ गया, हाँ। अब देखिए M1 कितना था, 15 आदमी था, कितना समय लगा रहा था, 24 घंटे लगा रहा था। अब कितना आदमी है,
एक्स आदमी हो गया, कितने समय लगा रहा है, 20 घंटे लगा रहा है, बस एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 15 × 24/20। देखिए तुरंत आप कर देंगे 18 आ गया आपका आंसर। क्लियर है दोस्तों? तो ये आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वही मैं बोला कि कुछ ना कुछ आपको कंडीशन देती रहेगी और कुछ ना कुछ पूछ लेगा, तो बस ये M1T1/W1 और M2T2/W2, तो बस M1T1 M2T2 किया, बस देखिए आंसर आ गया 18। क्लियर है? आप एक एक नियम से भी कर दे सकते हैं कि भाई 15 आदमी थे, किसी काम को किए तो 24 दिन लगा, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा, एक आदमी 24 × 15 दिन में करेगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि अब कि आदमी की संख्या पूछ लिया और समय दे दिया, तो हमने समय से डिवाइड कर दिया कि भाई इतना घंटा लग रहा था एक आदमी को, तो 20 घंटे में कितने आदमी लोग कर देंगे, तो 18। और नहीं तो आप इसको देखिए, बहुत सिंपल सा है, बस इसको डालिए फटाक से, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये कुछ छोटे छोटे सवाल हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। अब अगला जैसे क्वेश्चन की बात करें, अब UPSC का क्वेश्चन उठाता हूँ मैं दोस्तों, ये भी किसी न किसी एग्ज़ाम के क्वेश्चन, मुझे ध्यान नहीं आ रहे, बट अगर जैसे UPSC का क्वेश्चन उठाऊँ तो एग्जाम्पल में, तो ये क्या है, जैसे मान लीजिए इसमें दिया है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों, इसीलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ कि जैसे क्या है, एक व्यक्ति एक्स है, क्लियर है, वो बोल रहे हैं कि कोई काम है W, है ना, इस काम का 20% करता है, ठीक है, इस काम का 20% करता है कितने दिन में, 8 दिन में। क्लियर है? मतलब एक्स जो है किसी काम का 20% 8 दिन में करता है, ठीक है। वाई दूसरा व्यक्ति है, वाई जो है उसी काम का 25%, क्लियर है, उसी काम का 25% 6 दिन में कर देता है। क्लियर? तो अब बोल रहे हैं कि दोनों लोग साथ काम करेंगे, ठीक है, दोनों लोग साथ काम करेंगे एक्स प्लस वाई, तो इसी काम का 40% कितना दिन में करेंगे। अब देखिए, अगर आपको नहीं पता है तो आपका एकदम दिमाग चकरा जाएगा कि पहले तो ये दिया क्या है, दिमाग खराब हो रहा है ना, कि भाई अगर सीधे सीधे काम ही दे दिया होता कि भाई W काम किया 8 दिन में और ये W काम किया 6 दिन में, तो ये W काम दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये तो हम कर देते सीधे सीधे, क्या करते 8 × 6/8+6, है ना, करते सीधे आंसर आता हमारा। अब लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, महाशय ने, इन्होंने कर दिया कि एक्स है W का केवल 20% ही करता है कितने दिन में, 8 दिन में, वाई है W का केवल 25% ही करता है कितने दिन में, 6 दिन में, तो बोल रहे हैं कि दोनों मिल जाएं तो W का पूरा W नहीं, अब यहाँ भी देखिए बोल रहे हैं कि W का 40% करना है, तो कितना समय लगेगा। तो अब इसको करने का अप्रोच क्या है दोस्तों, मैं बताता हूँ कि भाई पहला हमसे क्या बोला कि X ने किया W का 20%, तो कितना दिन में, 8 दिन में, यानी अगर बात करें W का 20% कितना हो गया, W × 20/100, क्लियर है, यानी W/5, मतलब X जो है W/5 काम करता है, यानी अगर मान लीजिए 100 ईटा ढोना था तो 100/5 यानी 20 ही ईटा ढोया, है ना, ऐसा है। तो भाई W काम कर का पांचवा हिस्सा मतलब करता है कितने दिन में, 8 दिन में। तो अब आप एक चीज़ ये समझ पा रहे हैं कि W काम कितने दिन में करेगा, भाई W/5 काम किया, किसी काम का पांचवा हिस्सा किया 8 दिन में, तो पूरा का पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, 8×5=40 दिन लगेगा। क्लियर है? मतलब पेज में थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ दोस्तों, रुक जाइए। थोड़ा सा आप देखते रहिए, मैं इसमें पेज ऐड करूँ, बेसिकली आज का लेक्चर दोस्तों थोड़ा लंबा हो सकता है, तो बस आप इसको देखते रहिए। अब मैं इसीलिए मैंने रैंडम लिया, क्योंकि दोस्तों टॉपिक ऐसा है कि इसमें वेरिएशन करते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो आपको भी चीज़ें अच्छे से समझ में आती जाएंगी। तो अब ये जितने भी पेज का बने, मुझे लगता है कम से कम 15-20 पेज का होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे देखिए क्या बोल रहा है, मैंने क्या बताया कि एक्स है, कलम चेंज कर देता हूँ, एक्स है किसी काम को, उसका जो 20% है उसको करता है 8 दिन में, तो हमने निकाल लिया किसी काम का 20% माने उसका W/5 वह हिस्सा करता है 8 दिन में। तो हमने क्या बोला कि अगर X को पूरा का पूरा W काम करना पड़े अकेले, तो कितना समय लगेगा, 40 दिन लगेगा। क्लियर है? तो अगर शॉर्ट में लिख दें, X W काम करता है 40 दिन में। क्लियर है? इसी तरीके से Y का निकालें, तो Y का क्या दिया, Y का 25% दिया है ना, Y का 25% कितना दिन में, 6 दिन में, तो 25% कितना हो गया, Y का 25/100 यानी W/4, मतलब Y जो है W/4 काम करता है 6 दिन में। अब हम ये बोले कि Y जो है W काम करे तो कितना दिन लगेगा उसको, 6×4 दिन लगेगा यानी 24 दिन। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, अगर X W काम को करता है तो 40 दिन लगता है, और Y जो है W काम करेगा तो 24 दिन लगेगा। क्लियर? ये हो गया आपका, एक आपको ये मिल गया
और एक आपको ये मिल गया, क्लियर। ये एक्स का लगा 40 दिन, वाई को लगा 24 दिन, जब ये लोग अकेले अकेले करते हैं, और कितना पूरा पूरा डब्लू काम, क्लियर है। तो अब हम ये निकाल लें पहले कि भाई एक्स और वाई मिल के डब्लू काम कितने दिन में करेंगे, क्लियर है। तो अब ये निकाल सकते हैं भाई कितने दिन में करेंगे एक्स को, एक्स और वाई कितने दिन में करेंगे। तो हमने पढ़ रखा है, मान लीजिए टी समय लगा, क्लियर। तो इसको कलम चेंज कर दूँ, तो टी समय में हमने क्या पढ़ा था, ए एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई पढ़ा था, यानी एक्स कितना था हमारा ये 40 दिन, वाई कितना है 24 दिन। तो 40 गुणे 24 बटे 40 प्लस 24, क्लियर है। तो ये कितना हो गया 40 गुणे 24 बटे 64, क्लियर है। तो ये आप इसको कर दीजिए सिंपल सा, 4 से इसको कर देंगे तो 4 6 24 ये 6 बार गया, और ये 4 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा 16 चौक 64, फिर कर दीजिए तो ये 3 बार 2 से किया, और ये 8 बार, और उसके बाद फिर कर देंगे तो 8 5 40 5 मतलब 15 दिन लगा इनको कितना काम करने में, पूरा का पूरा डब्लू। आप समझ पा रहे हैं क्या मैं बोल रहा हूँ कि भाई इनको 15 दिन लग गया पूरा का पूरा इनको डब्लू काम करने में। अब हमसे क्वेश्चन में पूरा डब्लू तो पूछा नहीं है, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, हमसे क्वेश्चन में बोला है कि इसका 40%, क्लियर है। यानी देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये बोल रहा है क्वेश्चन हमसे कि भाई एक्स और वाई किसी काम को मिल के करें उसका 40%, तो कितना समय लगेगा। तो हमने क्या निकाल लिया कि एक्स और वाई ये मिल के जो है पूरे काम को कर रहे हैं डब्लू को, है ना, तो उनको लग रहा है 15 दिन। अब हम कहते हैं कि भाई कोई डब्लू काम है, अब उसका अगर 40% निकालना है तो डब्लू का 40% करने में कितना समय लगेगा भाई, पूरे का 40%। कहने का मतलब आप 100 ईटा ढोते हो 10 दिन में, तो 40 ईटा कितने दिन में ढोगे, 4 दिन में ढोगे ना, क्लियर है भाई। आपको 100 ईटा धोने में 10 दिन लगा, तो 40 ईटा धोने में 4 दिन लगेगा। तो वही चीज़ है कि भाई डब्लू काम करने में 15 दिन लगा, तो डब्लू का 40% करने में 15 का 40% काम दिन लगेगा, क्लियर है। तो 15 का 40% कितना हो गया, 15 गुणे 40 बटे 100, क्लियर है। इसको आप उड़ा दीजिए बस, अब काट पीट मचा दीजिए, 0.4 15 चौको 60 6 दिन आएगा, क्लियर। यानी 6 दिन आपको लगा उस काम का 40% एक साथ एक्स प्लस वाई अगर मिलके करें तो, क्लियर। ये देखिए, तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इसको उठाया है ताकि आप भी इसको, इसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं, इसीलिए मैंने बेसिकली फ्रैक्शन वाला उठा लिया कि भाई परसेंटेज, आपसे अगर क्लियर पूछ लेता कि दोनों मिल के करें तो आप कुछ इसमें कर रहे नहीं था, फिर तो आप एक्स क्या करते, एक्स गुणे वाई बटे एक्स प्लस वाई कर देते, है ना। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो नल हैं। देखिए आगे नल वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको डिस्कस किया था शुरू में, लेक्चर शुरू होने से पहले, तो इसमें क्या है, ये भी यूपीएससी क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो मैंने पिछला क्वेश्चन बताया, ये यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है, आई थिंक लास्ट ईयर का ही है, क्लियर। अब अगर अगला क्वेश्चन पूछें, बात करें, तो ये यूपीएससी का है, 2015 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो नल हैं ए और बी, तो किसी टंकी को अलग अलग भरते हैं 20 और 30 मिनट में, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक साथ खोल दे तो पूरी तरह भरने में, अब जैसे क्या है, ए है किसी टंकी को भरता है, कितना समय लगाता है 20 मिनट, क्लियर। बी है उसी टंकी को भरता है, कितना समय लगाता है 30 मिनट, क्लियर। अब ये चीज़ आप ये समझ लीजिए कि भाई ये 20 मिनट लगा रहे हैं, 30 मिनट, इसका मतलब ये ज़्यादा तेज़ भर रहा है, ये तेज़ है, इसकी इफिशेंसी बढ़िया है ना। अगर क्षमता की बात करें, क्षमता तो हमसे इसमें पूछा नहीं हालांकि, बट क्षमता की बात करें तो ये इसका क्षमता ज़्यादा है, ठीक है, ऊपर एरो कर दिया मैंने, ज़्यादा क्षमता इसकी, इसकी क्षमता क्या है, कम है, क्लियर। अब बोल रहा है कि ए और बी मिल जाएं तो उसी टंकी को कितने समय में भरेंगे। तो हमने क्या बोला था, इसको तो कुछ करना ही नहीं, यूपीएससी क्वेश्चन दोस्तों, तो कितने सिंपल हो जाएगा, 20 गुणे 30 बटे 20 प्लस 30, बस यानी 600 बटे 50, बस कर दीजिए 5 12 12 दिन 12 मिनट लगा, बस मार के आगे बढ़ जाइए, 12 मिनट में आपका टंकी भर देंगे लोग मिल के, क्लियर। तो बस ये छोटा सा अप्रोच था। देखिए ये यूपीएससी क्वेश्चन है दोस्तों, देख रहे हैं आप कि कितना सिंपल क्वेश्चन है, और बस आपने इसको तुरंत फॉर्मूला लगाया और तुरंत आपका आंसर आ गया। तो कहने का मतलब ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपको ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, ये सब चीज़ें, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है एग्ज़ाम में। बेसिकली आपको दोस्तों समय का अभाव रहता है, आप कितना भी एक्सपर्ट रहें, कुछ भी रहें, अगर 2 घंटे में करना है तो मेन आपका टारगेट होता है 2 घंटे में कैसे करें आप। मैं जो दोस्त इसमें से लेक्चर देख पा रहे होंगे, क्योंकि मैं कुछ दोस्तों कमेंट पढ़ रहा था, तो वो बोल रहे थे कि क्या सी सेट की तैयारी करने की ज़रूरत है क्या। तो
दोस्तों ये आपका पर्सनल अप्रोच होता है, नो डाउट भाई, किसी को करने की जरूरत है किसी को नहीं है। मैंने इसीलिए देखिए जब डिटेल में चर्चा की थी सिलेबस की और आपकी स्ट्रेटजी की, तो उसमें मैंने बताया था दो चीज़ें कि भाई एक तो नॉलेज का अभाव होना है ना, नॉलेज नहीं है, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो आपको बीच में चलना है, मतलब नॉलेज भी रखना है और ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रखना, बस कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। क्लियर भाई, आप कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। बस आप क्या कीजिए, आप PYQ लगा लीजिए कुछ कुछ, है ना, एग्जाम से पहले एक महीने 10 दिन 15 दिन, तो आप 3-4 PYQ लगा लेंगे, आपका आइडिया लग जाएगा। और कुछ कुछ ट्रिक्स वगैरह देख लीजिए जिनको आपके नॉलेज में पकड़ा है, जिनको ट्रिक्स वगैरह पता है, और जिनको नहीं पता है तो उस लेक्चर के माध्यम से या फिर कहीं ना कहीं किसी भी रिसोर्सेज से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए और जो ट्रिक्स हैं उनको आप फॉलो करते रहिए। तो बेसिकली आपको 2 घंटे में और सफिशियंट नंबर ऑफ क्वेश्चन ताकि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए। क्लियर, तो ये आपका एम होना चाहिए बेसिकली, क्योंकि ये है क्वालिफाइंग, तो ये आपका एक पर्टिकुलर अप्रोच होना चाहिए कि भाई आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए और 2 घंटे में आप उसको अच्छे से कर लें, आपकी इफिशियंसी बेसिकली इंप्रूव हो, है ना, तेजी से कैसे करना है। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, 2 क्वेश्चन है, दोनों UPPCS के क्वेश्चन हैं, मैं अभी एक एक करके डिस्कस करूँगा। कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई काम है ना, उसको 10 औरतें 7 दिन में कर देती हैं, यानी 10 वुमेन किसी काम को, मैं काम लिख देता हूँ, को 7 दिन में कर देती हैं। क्लियर है, अब वही काम है उसको अगर 10 बच्चे करते हैं, 10 चिल्ड्रन है ना, चाइल्ड, तो उसी काम को कितने दिन में करेंगे, 14 दिन में। क्लियर है, मतलब अगर शॉर्ट में बताएं तो सेम काम को 10 औरतें करती हैं 7 दिन में, सेम काम को 10 लड़के करते हैं, 10 बच्चे 14 दिन में, है ना, मतलब बच्चे छोटे छोटे हैं तो भाई उनको काम करने में ज़्यादा समय लगेगा, उनको 14 दिन में उन्होंने किया, और महिलाएं जो है उस काम को 7 दिन में कर देती हैं, हैं कितने ही लोग, 10 ही 10 लोग। क्लियर, ये आपको थोड़ा सा काम आसान कर दिया इन्होंने। अब बोल रहे हैं कि उसी काम को अगर 5 औरत और 10 बच्चे मिल जाएं, है ना, 10 बच्चे 10 चाइल्ड ये मिल जाएं, तो उसी काम को कितने दिन में करें। अब देखिए अगर आपको नहीं पता तो आप कन्फ्यूज रहेंगे, मतलब कैसे क्या करें, तो 5 औरतों का बता दिया और 10 बच्चों का बता दिया, है ना। तो आप सिंपल से ये देखिए कैसे करना है, अप्रोच क्या, बहुत सिंपल था दोस्तों ये, कि भाई आप से 5 औरतों और 10 बच्चों का पूछा है, तो हमने ये देखा था कि भाई 10 बच्चे अगर उसी काम को करते हैं 14 दिन लगता है। क्लियर है, और एक चीज़ आप ये देखिए कि कहाँ गया, हाँ, 10 बच्चे उसी काम करते हैं 14 दिन में, कलम चेंज कर देता हूँ, ये 10 बच्चे हैं उसी काम को 14 दिन में करते हैं और 10 औरतें हैं उसी काम को 7 दिन में कर देती हैं। तो अगर हम से पूछा है कि 5 औरतें और 5-10 बच्चे कितने करेंगे, तो ये 7-7 पूछा है ना, तो अब 7-7 पूछा तो पहले हम इसको बाइफरकेट करें, पहले तो हम ये देखेंगे भाई अलग अलग कितने दिन में करेंगे, अगर अलग अलग करने का पता चल गया हमको तो हम 7-7 का भी निकाल लेंगे। क्लियर, हमारा अप्रोच ये होना चाहिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ क्वेश्चन को कैसे डील करना है, सोल्यूशन तो मैं एक लाइन में लिख दूंगा लेकिन पहले आप ये समझिए क्वेश्चन आया तो आप इसको डील कैसे करेंगे। अब यहाँ 5 औरत ना करके 8 औरत कर दे तो तब आप कैसे करते हैं, 10 बच्चा ना करके 12 बच्चा कर दे तो कैसे करते हैं ना, तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि भाई आप कितना भी कर दो सेम चीज़ सब पे लागू हो, है ना। तो ये बात है, तो हमने क्या देखा था कि 10 औरत करती हैं 7 दिन में, है ना, तो अगर 5 औरत करेंगी तो कितना दिन लगेगा, 14 दिन लगेगा। क्लियर है भाई, 10 आदमी किसी काम को 7 दिन में करते हैं, अब आदमी आधे हो गए यानी औरतें आधी हो गई, तो औरतें आधी हो गई तो समय ज़्यादा लगेगा, तो 14 दिन लग गया। क्लियर, तो हमने तो ये निकाल लिया पहली चीज़। क्लियर कि भाई अगर 5 औरतें अकेले करती हैं उस काम को, अकेले करती हैं तो 14 दिन लगता है। अब दूसरा क्या चीज़ है, 10 बच्चों का बात कर रहा है तो हम लिख देते हैं 10 चाइल्ड। अब 10 चाइल्ड अकेले उस काम को करें तो कितना समय लगेगा, ये तो हमको क्लियर दे रखा है 14 दिन क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए ये 10 बच्चे उसी काम को 14 दिन में करते हैं। क्लियर, तो हमको ये मिल गया कि अगर 5 औरतें अकेले करें तो 14 दिन लगता है, 10 बच्चे अकेले करें तो 14 दिन लगता है। अब बोला कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, जोड़ दिया मैंने प्लस साइन लगा के, बोल रहा है कि 5 औरतें और 10 बच्चे 7-7 करें तो कितना दिन लगेगा, यही क्वेश्चन है, है ना। तो अब ये क्वेश्चन है तो अब इसको सिंपल से कर लीजिए भाई, आप अगर जो दोस्त कैच कर पा रहे होंगे तो बहुत सिंपल से बात है कि इस कहने का मतलब इसका क्या हो गया कि 5 औरत और 10 बच्चे बराबर हो गए, तभी देखिए 14-14 दिन में कर रहे हैं। तो अगर 5 औरतें और 10 बच्चे बराबर, यानी 1 औरत 2 बच्चों के बराबर काम करती है ना, इफिशियंसी की बात करें,
तो ये चीज़ हो गया। तो बोले कि 5 औरतें और 10 बच्चे अलग अलग काम करते, 14-14 दिन लगता है, तो इसका मतलब अगर दोनों को जोड़ देंगे तो 7 दिन में काम कर देंगे, क्लियर है, 7 डेज। तो आपका आंसर तो आ गया फटाक से, आपने अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाया। अब अगर आप मैथ से चलेंगे कि भाई 5 औरतों को कितना समय लगा था, 5 औरतों को 14 दिन, 10 बच्चों को कितना लगा था, इनको भी 14 दिन लगा था। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि अगर दोनों को साथ में जोड़ के करवाएं तो भाई 14 × 14 / 14 यानी क्या है, एक्स गुड़े वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, यही है। यहाँ पे एक्स भी 14 है, वाई भी 14 है, यही चीज़ है। बस आप इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 × 14 / 28 यानी क्या हो गया, बस अब इसको कर दीजिए, हो गया सिंपल सा, हो गया 14 × 28 और ये 7, ये देखिए आ गया 7 दिन आ गया, क्लियर दोस्तों। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहेंगे इसको, कि आपसे बस आपसे घुमा कहाँ पे दिया था, ये यहाँ पे आपको घुमा दिया कि 5 औरतें और 10 बच्चों क्या होगा। अब इसी देखिए मैंने जो आपको किया बताया, अब आप इसको 8 औरतें 10 बच्चे 15 बच्चे कुछ भी कर सकते, कोई भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि एक औरत का आपने निकाला भाई, एक औरत किसी काम को अकेले कितने दिन में करेगी, फिर एक बच्चा किसी काम को अकेले कितने दिन में करेगा, फिर आपसे जितने औरत का पूछा उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया था, याद आ रहा होगा आपको, क्लियर है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्लियर है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि क्या बोल रहा है। 5 बच्चे 5 पृष्ठ 5 मिनट में करते हैं, तो 3 बच्चे 3 पृष्ठ कितने मिनट में करेंगे, ठीक है। पहला जैसे ये वाला जो क्वेश्चन था, ये भी PCS का ही क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2018 का क्वेश्चन था, और अब जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये वाला जो है UPSC PCS का है, ये है 2015 का है, आई थिंक 15 कि 16 का है, ऐसा है मुझे लग रहा है 16 का है, ठीक है। तो अब जैसे देखिए बात करते हैं क्वेश्चन की, तो ये क्या बोल रहा है, 5 बच्चे 5 पेज कितने 5 मिनट में कर देते हैं, क्लियर है। तो बोल रहा है 3 बच्चे 3 पेज कितने मिनट में करेंगे, यही आपका क्वेश्चन है, बस देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो अब हो सकता है इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया आपको, 3, 4, 5, 10, क्लियर है, ये दिया है आपको। तो अब आप में मान लीजिए क्या हुआ, 5 बच्चे 5 पेज 5 मिनट में करते हैं, 3 बच्चे 3 पेज 3 मिनट में करेंगे, आप 3 मार के चले जाए आपको हो जाएगा गलत, क्लियर दोस्तों। जैसे आपको मैं आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, जैसे बचपन में आप लोगों ने सुना होगा जब हम लोग पढ़ते थे या फिर कुछ करते थे, तो लोग बोलते थे ना कि एक आदमी एक आँख से 10 किलोमीटर देखता है, तो वही आदमी 2 आँख से कितना किलोमीटर देखेगा, तो भाई आँख तो वही है तो देखेगा तो 10 ही किलोमीटर ना। या फिर ऐसे कहें कि एक आदमी है ना, एक आँख से देखता है 10 किलोमीटर। अब बोलते हैं 5 आदमी हैं, हाँ 5 आँख से कितना किलोमीटर देखेंगे, तो 10 ही किलोमीटर, क्योंकि आँख का जो क्षमता है वो तो 10 ही किलोमीटर है ना देखने का। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है दोस्तों, हम कहते हैं 5 बच्चे हैं 5 पेज को 5 मिनट में लिखते हैं, तो यानी एक बच्चा एक पेज को कितने मिनट में लिखेगा, 5 ही मिनट में लिखेगा, 1 मिनट में लिख नहीं देगा। अगर समझ रहे ना क्या बोल रहा हूँ, एक बच्चा एक पेज को कितने मिनट में लिखेगा, 5 मिनट में लिखेगा, तभी 5 बच्चे 5 पेज लिख देते हैं 5 मिनट में। अगर आप ये समझिए कि एक बच्चा एक पेज को अगर 1 मिनट में लिख देता, जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो अगर एक बच्चा एक पेज को 1 मिनट में लिख दिया, तो 5 बच्चे हैं 5ों एक साथ लिखेंगे तो भी तो 1 मिनट में कर देंगे, तो इसका मतलब 1 मिनट नहीं होगा, क्लियर है। यानी एक बच्चा एक पेज को 5 मिनट में करता है, तो 5 बच्चे कर दो, चाहे 10 बच्चा कर दो, चाहे 1000 बच्चा कर दो, 1000 बच्चा 1000 पेज 5 ही मिनट में करेगा, क्लियर। तो वही चीज़ है कि 3 बच्चे 3 पेज 5 मिनट में ही करेंगे, क्लियर। अब इसको मैं आपको एग्जांपल, वो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मान लीजिए आपसे बच्चा और पेज अलग अलग कर देता, 3 बच्चा 10 पेज बोल देता, कुछ बोल देता, तो हमने क्या पढ़ा था, m1t1 / w1 = m2t2 / w2, क्लियर है। तो यहाँ पे कितना बच्चा था, 5 बच्चा था, कितना समय लिया, 5 समय लिया, कितना पेज लिखा, 5 पेज लिखा, है ना, मतलब भाई कितने लोग थे, कितना समय लिया और कितना काम, है ना। तो काम माने पेज लिखना, कितना पेज लिखा, 5 पेज लिखा। अब क्या बोल रहा है कि 3 बच्चा हो गया, ठीक है, कितना समय लगेगा पूछ रहा है, कितना पेज लिखा, 3 पेज लिखा, क्लियर, यही है क्वेश्चन, यही है कि भाई
पांच बच्चा पांच पेज पांच मतलब पांच बच्चा पांच मिनट में पांच पेज लिखता है, तो तीन बच्चा तीन पेज कितने समय में लिखेगा। तो अब उड़ा दीजिए फटाफट, देखिए पांच बच्चा तो टी टू इक्वल टू पांच आ गया, क्लियर। तो बस आप यहाँ पे वैल्यू उठा के रख देंगे, तो ये भी आपका बहुत सिंपल सा अप्रोच है, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा, क्लियर दोस्तों। तो आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, आप इंजॉय कर रहे होंगे कि वास्तव में जो चीज़ें हैं, नई नई चीज़ें हैं जो आप सीख रहे हैं, ये कितनी हेल्पफुल रहती हैं। और ये सारे क्वेश्चन देखिए दोस्तों यूपीएससी और यूपीपीसीएस के क्वेश्चन हैं, क्लियर है। तो अब इसके बाद जो है मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, इससे पहले मैंने एक होमवर्क दिया था जो लास्ट क्वेश्चन था, आप वीडियो पॉज करके पीछे जाके देख सकते हैं क्या क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ वो ये है कि कोई काम है, मतलब जो चार लोग हैं ना, डब्लू एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो बोल रहे डब्लू किसी काम के 25% को 30 दिन में करता है, क्लियर है। मैं साथ साथ क्वेश्चन लिखता जा रहा हूँ कि डब्लू किसी काम के 25% यानी मान लीजिए कोई काम है वर्क को किसे दिखा दूँ मैं, चलिए मैं 25% लिख देता हूँ, है ना। किसी काम का 25% कितने दिन में करता है, वो करता है 30 दिन में, क्लियर। ये आपका पहला स्टेटमेंट दे दिया। दूसरा स्टेटमेंट क्या दे दिया कि एक्स जो है उसी काम का चौथा हिस्सा, एक्स बाई फोर मतलब काम का चौथा हिस्सा कितने दिन में करता है, 10 दिन में, क्लियर। उसके बाद क्या बोल रहा है कि वाई जो है, वाई उस काम का 40% काम का 40% क्लियर, इस काम का 40% कितने दिन में करता है, ये लगाता है 40 दिन, क्लियर। अभी मैं आपको क्वेश्चन समराइज कर दूंगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, है ना। और फिर जो जेड है वो उस कार्य का 1/3, है ना, कार्य का 1/3 यानी कार्य बटे 3 इतना काम करता है कितने दिन में, ये लगाता है 13 दिन, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि बताइए इसमें से जो है सबसे पहले कौन काम कर लेगा, ठीक है। यानी अगर मैं आपको फिर समझाऊं कि डब्लू किसी काम का 25% लगाता है 30 दिन में, ठीक है। एक्स उस काम का चौथा हिस्सा कर देता है 10 दिन में, वाई ही उसी काम को करता है उसका जो 40% काम है वो 40 दिन में कर देता है, और जेड जो है उस काम का 1/3 कर देता है 13 दिन में। तो बोल रहा है कि ये लोगों का काम करने का अपना अपना बता दिया कि भाई इसका 25% इतने दिन में कर देता है, इसका चार हिस्सा इतने दिन में कर देता है ना, ऐसे ऐसे करके। तो बताइए कि इनमें से कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा, है ना, खत्म करेगा, ठीक है, खत्म करेगा, क्लियर है। यानी कौन फिनिश करेगा सबसे पहले, क्लियर है दोस्तों। तो ये आपका क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई ये इनका है, बस बताइए कौन सबसे पहले फिनिश करेगा, क्लियर। तो ये दो क्वेश्चन है दोस्तों, आप इनको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालने का प्रयास कीजिए ताकि मैं इसको देख सकूँ और मैं अगले आने वाले लेक्चर में इसको डिस्कस कर सकूँ, इनरोल कर सकूँ, क्लियर दोस्तों। तो आई होप आपका लेक्चर आज का आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, आपने कुछ नई नई चीज़ें सीखी होंगी, क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेक्चर था दोस्तों जिसमें आपको थोड़ा सा अपना लॉजिक भी लगाना है, दिमाग भी लगाना है। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में दोस्तों, जय हिंद जय भारत।